चेहरे, ठीक है, जिसके लेखक है चित्रा मुद्गल। तो चित्रा मुद्गल आधुनिक साहित्य की कहानीकार है। तो 10 दिसंबर 1944 को चेन्नई में जन्मी और मुंबई में शिक्षित चित्रा मुद्गल आधुनिक कथा साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित रचनाकार हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, इसलिए उनको बहुत, मेरे साथ भी वो बहुत लगाव से रहती। प्रखर चेतना की संवाहिका चित्रा जी के पास अनुभवों के विपुल भंडार है। उन्होंने समाज के विभिन्न समुदायों, विशेषकर दलित शोषितों के बीच बैठ कर काम किया है। दलितों के बीच, शोषितों के बीच, स्त्रियों के बीच, ऐसी महिलाओं के बीच जो कि सोसाइटी में किसी कारणवश उनको कोई मान सम्मान नहीं मिला है, मर्यादा नहीं मिली है, इस तरह के लोगों के बीच बैठकर उन्होंने काम किया है। आंदोलनमुखी संगठनों से उनका गहरा नाता है। उनकी मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तनों की दिशा में आंदोलनों की निर्णायक भूमिका है। जब तक आंदोलन नहीं होते हैं तब तक कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा उनका विचार है। दूरदर्शन के लिए उन्होंने टेलीफिल्म वारिस का निर्माण किया है। साथ ही प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित एक कहानी मंझधार, रिश्ते, सरीखे, धारावाहिकों में इनकी अनेक कहानियां सम्मिलित हुई हैं। समकालीन यथार्थ को वह जिस अद्भुत भाषिक संवेदना के साथ अपनी कथा रचनाओं में परत दर परत अनेक की है वह चकित कर देने वाला है। समकालीन यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या है? रियलिटी। समकालीन यथार्थ, समकालीन अभी जो चल रहा है, करेंट, वर्तमान। तो वर्तमान सोसाइटी में, समाज में, वर्तमान समाज में जो भी यथार्थ है, जो चित्रण मिलता है आपको, सोसाइटी का जो स्तर मिलता है, उसको एज इट इज वो अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में लिखती है। अब तक चित्रा मुद्गल के 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें और 2 वैचारिक संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें बहुचर्चित उपन्यास आमा पर बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, सहस्राब्दी का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, लंदन में पाने का गौरव तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, विकास काया फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए विदुला सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। प्रसार भारती बोर्ड, भारत सरकार के सदस्य एवं प्रसिद्ध समाज सेवी का भी आप रही हैं। साली, शुरुआत साली से हो रही है, गाली से है। हराम, साली हराम। पैंट को हाथ क्यों लगा? भीख भिखारी जो भी है, जो भीख मांगते हैं, वो लोग यदि पास में आके थोड़ा भी कभी उनका हाथ पैर हमारे ऊपर लग जाता है तो हम लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे साली हरामी जाओ, मेरे पैंट पर क्यों तुमने हाथ रखा, एकदम गंदा हो गया, इस तरह का फीलिंग। वह एकाएक चिड़ और गुस्से से बिफरा, एकदम उसको गुस्सा आ गया जैसे उसका हाथ लगा। तुरंत उसका एक हाथ अपनी दाहिनी जेब पर चला लिया। तुरंत पहली बार दिमाग में क्या आती है, जब कुछ निचले स्तर के लोग हमें आके छूते हैं, कुछ टक्कर भी हो जाती है, कुछ हो जाता है, पहली बार दिमाग में क्या आती है, कहीं पिकपॉकेट तो नहीं हो गया? दिमाग में क्या आता है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? वही एक सभ्य इंसान कोट सूट पहन के, ठीक है, एकदम बढ़िया साड़ी या वाड़ी पहन के सब आते हैं, टकरा जाते हैं, हम लोग स्माइल करके इट्स ओके नो प्रॉब्लम है कि नहीं? लेकिन वही एक गंदे थोड़ा काले कलूटे लोग मानो अचानक अनजाने में टक्कर हो गई, तुरंत हम क्या करते हैं, चिल्लाना तो एक तरफ है, तुरंत हमें, हमारे दिमाग में संदेह आता है, कहीं मेरा सब कुछ ठीक तो है, कहीं कोई चेन तो गायब नहीं है, झुमका तो है, पर्स तो है कि नहीं? तो ये दिमाग में हम लोग बाहरी वेशभूषा से लोगों का अंदाजा लगा लेते हैं, जो कि अक्सर क्या होता है, गलत साबित होता है। तुरंत उसका एक हाथ अपनी दाहिनी जेब पर चला गया, पर्स का उभार ज्यों का त्यों महसूस कर वह गहरे आश्वस्त हुआ। जैसे वो अंदर डाला, मतलब हाथ अंदर भी नहीं डाला, ऐसे टच किया तो यहाँ पे पर्स का उभार दिखने लगा, पर्स जो मोटा पर्स रखा हुआ था वो दिखाई, पता चला उसका आश्वस्त हुआ। यही भिखमंगी है, यही कौन थी, भिखमंगी थी।
इसी ने उस रोज उसके टखनों को छू छू कर उसका खड़े रहना मुहाल कर दिया था। ये तो वही औरत है जिसने उस दिन पैर छू के, टखने मतलब ये जगह पे, ठीक है, जिसने उसको छू के कुछ दे दो भैया जैसे वो पैर छू छू के कर रही थी, इसी ने मुझे उस दिन खड़ा रहने से मेरा मुझे तंग करके रख दिया था। मैं तो खड़े ही नहीं हो पा रहा था। ए शकर, हम लोग ऐसे करते ना, ए छोड़ छोड़ो मेरा पैर छोड़ो, जिस तरह हम लोग करते हैं। तो वो मेरा खड़ा रहना बिल्कुल मुझे क्या कर दिया था, मुहाल कर दिया था। मेरा खड़ा रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, इस तरह उसने कर दिया था। पसीज कर नहीं मतलब करुणा दिखाकर नहीं बल्कि ऊब कर। अरे इसका कैसे भी अब गला छूटे, ठीक है, इससे मैं छुटकारा पा लूं। इसी उद्देश्य के साथ उसने निश्चय किया था कि उसे कुछ दे दिलाकर अपना पिंड छुड़ाने। चलो कुछ तो 1 रुपया 2 रुपया इसको दे देते हैं, क्योंकि बार बार आके मेरा पैर छू छू के मुझे तंग कर रही है, खड़ा रहना मेरा मुश्किल हो रहा है। पर ज्यों ही उसके हाथ अपने पर्स पर गया, जेब में पर्स नदारद पाकर वह घबरा उठा। ठीक है, फिर पर्स निकालने गया, देखा तो पर्स नहीं है, अब गायब है, तो वो एकदम घबरा उठा। फटाफट उसने पैंट की अगली बाई और पिछली दोनों जेबों सहित बुशर्ट की जेबें भी टटोल डाली। तुरंत हम क्या करते, पैंट तो इतने सारे पैकेट्स रहते हैं लड़कों के, तो इधर उधर आगे पीछे सारी जगह पे वो पर्स को ढूंढने लगा। नुक्कड़ पर पान खाया था, फिर वो सोचता है क्या क्या हुआ था, जब घर से निकला था क्या क्या हुआ था। नुक्कड़ पर पान खाया था गली के मोहल्ले में, मतलब कोने में आके मैंने क्या खाया था, पान खाया था, तब भी मैंने पर्स निकाला था, मेरे पास पर्स था, इसका मतलब घर से मैं पर्स लेकर चला था, घर से तो वह पर्स लेकर चला था, नुक्कड़ पर पान खाया था, 4 छुट्टा सिगरेटें खरीदी, सिगरेट पैकेट नहीं खरीदा बल्कि 4 अलग अलग छुट्टे में उसने सिगरेट खरीदी। पान वाले से आग्रह किया था कि वह रेजगारी दे दे, रेजगारी का अर्थ है छूटे सिक्के, मतलब 1 रुपया है, 1 रुपए के नोट के लिए मान लो बस का किराया यदि 50 पैसा है, ठीक है 75 पैसे हैं, 75 पैसा है, तो बाकी 25 पैसा बस वाला नहीं देता, इसीलिए वो क्या करता है, वो सिगरेट वाले से, दुकान वाले से वो छुट्टा मांग लेता है, पैसा सिक्का मांग लेता है। ठीक है, तो रेजगारी का मतलब है छोटे सिक्के, 1 रुपए का जो हम लोग चेंजेस लेते हैं वो। कंडक्टर आजकल बहुत बदतमीज हो गए हैं, फिर बोलता है कंडक्टर बहुत बदतमीज हो गए हैं, बिल्कुल छुट्टा नहीं देते हैं, छुट्टा नहीं है करके बोल देते हैं। ऐसा एक आदमी से 10 पैसा ले लिया, 4 लोगों से क्या हो जाएगा, उनके पास 40 पैसे जमा हो जाएंगे, 40 लोगों से लेने से क्या हो जाएगा, ऐसे 100 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह के कंडक्टर जो है बहुत बदतमीज हो गए हैं, उनके पास 2 के नोट की भी रेजगारी नहीं होती है। पर्स तो था उसके पास, तब तो मेरा पर्स था, क्योंकि मैंने सिगरेट लिया, पैसे का छुट्टा लिया, सब लिया, तब तो मेरे पास पर्स था। बस में भी सही सलामत, बस में भी तो ठीक ठाक ही था, बस में भी बहुत पॉकेटमारी हो रही, आजकल बस में भी बहुत ज़्यादा पॉकेटमारी होती है, बस में होती है, ट्रेन में होती है, पता ही नहीं चलता कब जेब से कब निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको आपस इसके पास क्या नहीं है, अभी पर्स नहीं दिख रहा है, तो एकदम रिकॉल कर रहा है कि कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा। बस में भी बहुत पॉकेटमारी हो रही है, इसीलिए हमेशा ही वह अतिरिक्त सावधान रहता है। तो पॉकेटमारी तो होती है, इसीलिए वो बहुत सावधानी से ही चलता है, सावधानी बरतता है। असावधान हुआ था तो बस उसी क्षण जब वह गिड़गिड़ाती उसके टखने को हाथ लगाए जा रहे, तो बस में भी वो सावधानी से ही आया था। अभी असावधान वो कहाँ पर हुआ था, चिड़ कहाँ गया था, जब चिड़ गया था तो थोड़ा बहुत उसको अपने पर्स पर होश नहीं था, जब वो उसके टखनों को छू कर वो भीख मांग रही थी। यह तो गनीमत हुई कि उसी लंबी क्यू में कॉलोनी के अवस्थी साहब खड़े हुए थे, तो एक लंबा क्यू में वो खड़ा था, तो वहां पे उसके कॉलोनी के एक अवस्थी सर भी खड़े थे, जिनके पास, ये तो अच्छी बात थी कि कम से कम एक पहचान, जान पहचान वाले वहां मिल गए, नहीं तो कौन आपको पैसा देके मदद करेगा, कोई पैसा देके मदद नहीं करेगा। तो गनीमत है कि एक कॉलोनी वाले मिल गए थे, अवस्थी साहब थे, उनके पास मैंने 10 रुपए उधारा ले लिया,
उन्हीं से मैं 10 रुपए मांग लिए। उसी रोज उसने यह भी निश्चय किया, भले उसे पश्चिम रेलवे से महीने में 2-4 बार ही यात्रा करनी पड़ती है, पर अब वह टिकट की लाइन में कतई नहीं लगा करेगा और रूट पास बनवा लेगा। तो वो कौन से क्यू में खड़ा था? वो टिकट लेने के लिए क्यू में खड़ा था, ट्रेन का टिकट लेने के लिए क्यू में खड़ा था, ठीक है। तो वो महीने में 2-4 बार उस रूट से वो गुजरता था, ट्रेन में उसको सफर करना पड़ता था। वो तो हर दिन सफर करते, पास ले लेते हैं, लेकिन कभी एक बार दो बार जब यात्रा करते हैं तो जाके क्यू में खड़े होकर टिकट लेके ही जाते हैं। तो इसने डिसाइड किया कि भले 1-2 बार ही मुझे क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं बकायदा क्या कर लूंगा, अभी इसके बाद मैं पास ले लूंगा ताकि इस लंबे क्यू में खड़े होने से मैं बच पाऊं और इस तरह के नौटंकी से भी मैं बच पाऊं। नुकसान उठा आजकल, क्यू में खड़ा रहना कतई निरापद नहीं। तो जिस तरह संदेह को लेकर इस तरह के क्यू में खड़े रहना बिल्कुल संभव नहीं है। दिमाग खुला रहता है, कोई संदेह नहीं रहता है, हम कितने भी देर तक खड़े रहते हैं, लेकिन जब संदेह इस तरह भाव मन में आ जाता है तो फिर कहीं पे भी हम लोग टिक नहीं सकते। परंतु पास निकालने का निश्चय व्यस्तता में वह भूल भाग गया। तो ऐसे ही पास निकालने का उस दिन सोचा, उसके बाद वो बिल्कुल उस बात को भूल गया, फिर वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। पॉकेट कटने की घटना भी जहन से उतर गई। उस दिन उसके पॉकेट की चोरी हुई थी, वो भी उसके दिमाग से निकल गया था। जहन का मतलब दिमाग से वो निकल गया था, भूल गया था। आज फिर भिखमंगी के टखने छूते ही वह घटना जहन में ताजा हो गई। तो ये पहली बार हो गया था एक बार इसके साथ, आज फिर से वो उसी हाथ उसी तरह उसके टखनों को छू रहे हैं, तो उसको फिर से सारी बातें याद आ गई। आज फिर भिखमंगी के टखने छूते ही वह घटना जहन में ताजा हो गई। उसे 100% विश्वास था कि इसी ने उसकी पॉकेट कटवाई थी। तो उसको विश्वास हो गया था कि यही वही वह औरत थी जिसने उसके पॉकेट को उस दिन काट के उसने निकाला था। इधर टिकट घर पर ये वारदात दिनों दिन बढ़ती जा रही है और निश्चय ही इन वारदातों में भिखारियों का हाथ लगता है। तो ये इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं, उनसे सावधान रहिए। आप रेलवे स्टेशन में भी जाएंगे, बाहर बड़ा सा बोर्ड रहेगा, ठीक है, ये सब चोर हैं, इनसे आप पॉकेट मार हैं, इन सबसे आप बचिए, कहीं दिखाई देते हैं तो आपके कंप्लेंट कीजिए। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के पोस्टर्स आपको सब जगह पे मिलेंगे। तो परंतु पास निकालने का निश्चय व्यस्तता में वह भूल भाल गया। पॉकेट कटने की घटना भी जेहन से उतर गई। आज के भिखमंगी के ठकने छूते ही वह घटना जेहन में ताजा हो गई। उसे 100% विश्वास था कि इसी ने उसकी पॉकेट कटवाई थी। इधर टिकट घर पर यह वारदात दिनों दिन बढ़ती जा रही है और निश्चय ही इन वारदातों में भिखारियों का हाथ लगता है। हाथ फिर टकने को छू गए, फिर से वो छू रही है। उसके गुस्से और गाली का उस पर कोई असर नहीं। तो गाली बकरा ये साली हरामी करके गाली बोल रहा है, फिर भी उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं है। दयनीय गिड़गिड़ाहट भी पूर्ववर्ती, वो गिड़गिड़ाती जा रही है, जैसे पहले वो करती थी वैसे ही वो गिड़गिड़ा रही है। एक चवन्नी अठन्नी साफ बच्चे के दूध के वास्ते सुकून से भूखा है, बहुत जो भूखा है, लोकल लैंग्वेज के लिए ऐसा लिखा है। दया करना साहब, आपके बच्चे का लंबा उम्र होगा साहब, घिटाई की भी हद है। दोनों का ही भर घिटाई का भी की भी हद है। उसके होठों पर भद्दी सी मुझे पूरा घिटाई की भी हद है उसके होठों पर भद्दी सी गाली तिल मिलाकर फूटने को हुई कि तभी अचानक किसी ने क्यों के बीच से एक अश्लील फिकरा कसा, साली करके फिर किसी ने, मतलब इसको भी गुस्सा बहुत आ रहा था, वो कुछ दूसरी गाली निकालने से पहले ही किसी ने बोल दिया एकदम साली करके। ये जो मन मन भर के लटकाए घूमती है, इनसे बच्चे का पेट नहीं भरता क्या? ये जो मन मन भर के लटकाए घूमती है, इनसे बच्चे का पेट नहीं भरता क्या? मतलब इतना सारा तुम जो लटका लटका के चल रही हो, इससे बच्चे का पेट नहीं भरता, जाओ यहाँ से करके वो झल्ला रहा है। भरता है, दोनों का ही भरता है, जवाब भी साथ ही उछला। कतारबद्ध भीड़ ठाकों से भर उठी।
तो कोई बोला हाँ भरता है भरता है करके, तो इतने में वहां खड़े लोग जोर से हंसने लगे। आसपास की क्यू में खड़े लोग कुछ हंसे कुछ अबूझ से चौंके, क्या हो गया अचानक से। लोग जो अपने में उलझे हुए थे अपने विचारों में खोए हुए थे उनको लगा कि क्या हो गया अचानक से, क्यों लोग हंस रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि लोग क्यों हंस रहे हैं। कुछ लोग जो हरकतें देख रहे थे जो इसमें शामिल थे उनको पता था और वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे। ये सब हमारे जब ये सारी चीजें अनुभव में होती हैं, हो सकता है आप लोग के अनुभव में भी इस तरह की चीजें हो। क्यों में खड़ी युवतियों और औरतों को यह अभद्रता अलवत्ता नागवार गुजरी। अब जो औरतें खड़ी थी उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एकाध ने व्यस्त भाव से फौरन पत्रिका खोल ली, देखा ऐसे कुछ औरतें ऐसी होती हैं ऐसे, फिर अपने हाथ में जो न्यूज पेपर था उसको खोल के पढ़ने लगा, ठीक है पढ़ने लगे। कुछ लोग ऐसे भी कर लिए। कुछ एक ने टिकट दर के ऊपर लगे सीजन टिकट के सूचना पत्र पर बेमतलब दृष्टि गड़ा ली, तो कुछ लोग क्या किए इसको नजरअंदाज करके वहां पे जो लिखा हुआ था सूचना पर जो बोर्ड लगा हुआ था उस बोर्ड को बोलो पढ़ने के बहाने कर लेते, ठीक है। कुछ सतर्क हो अपने आंचल और दुपट्टे संवारने लगे, कुछ लोग अपना आंचल संवारने लगे दुपट्टा संवारने लगे, सब ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा अलर्ट हो गए लोग। भिकमंगी पर असर बस इतना भर हुआ कि लस लसे होठों पर खिस खिसाई मुस्कुराहट लपेटे उसने अपने पोलके के मुसे हुए पल्लों को एक हाथ से नीचे खींच दूसरे से स्तनों को ऊपर ठेल कर उघड़ापन ढकने का बेझिझक प्रयास किया। गोदी का बच्चा गोदी में लटक सा आया। उसका मैं कल फिक्रे के साथ मजे लेती भीड़ पर वह चुनाया। भीड़ क्या करती है अक्सर मजा लेती है, कहीं कोई हंगामा हो गया कहीं कोई परेशानी हो गई तो उसको भी क्या अम्मा भूख लगी है अम्मा नहीं के साथ मजे लेती भीड़ पर वह घुमाया। अक्सर क्या होता है जो भीड़ इकट्ठा होती है कहीं कोई हंगामा हो गया है तो हम लोग तमाशा देखेंगे। पहले का इंसान सिर्फ तमाशा देखता था, आज का इंसान वीडियो बनाता है। अरे भारी से भारी हादसा क्यों ना हो जाए, हम लोग अपना मोबाइल एक जगह छोड़ के जाके उसको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। अजीब कूड़ मगज लोग हैं। अरे भाई ये लोग तो बहुत बड़े अजीब हैं, कैसे लोग हैं हाँ? यहाँ पे कोई परेशान है किसी को कोई तंग में है कहीं झगड़ा हो रहा है उसको देख के लोग एंजॉय कर रहे हैं मज़े ले रहे हैं लोग। खुदा ना खास्ता अभी कहीं किसी की जेब साफ हो जाए तो फौरन फटने लगेगी। फिर वो अभी कहीं किसी का जेब साफ हो गया, जेब साफ होना क्या है चोरी हो गया, किसी का जेब साफ हो गया तो सब फिर चिल्ला पिल्ली होने लगेगी। नहीं सोचते कि वह यह मजा लेने की बात नहीं है, सोचने समझने की बात है कि आखिर बाढ़ के पानी की तरह ये जो भिकमंगियां टिकट घरों पर अररा कर टूट पड़े हैं क्या सिर्फ यात्रियों की दया दृष्टि के पात्र बनने की खातिर कि लौटी रोजगारी में से कोई छोटा मोटा सिक्का उनके कटोरे में उछाल दे। तो जो लोग अंडमान में तो खैर भिखारी बहुत नहीं हैं, नाके ही बराबर हैं, आजकल एक दो इधर उधर दिख जाते हैं, लेकिन मेनलैंड में आप जाएंगे तो आपको हर कदम पर आपको भीख मांगने वाले दिखाई देंगे। हर कदम पर कहीं पे भी मंदिर के पास जाइए भिखारी रहेंगे, ट्रेन में रेलवे स्टेशन में जाइए भिखारी रहेंगे, चलती गाड़ी में जाइए आपको भिखारी मिलेंगे, बस में भी मिलेंगे ट्रेन में भी मिलेंगे सभी जगह पे मिलेंगे। तो क्या वो दया के पात्र हैं, इस तरह ये सोचने वाली बात है। इतने सारे भिखारी हमारे देश में, यहाँ तक कि बच्चों को क्या किया जाता है चुरा चुरा के चोरी करके भी बच्चों का हाथ पैर तोड़ के भी कटवा के भी आंख वांख निकलवा के भी चोरी करने के लिए भेज दिया जाता है। अपनी जेब कटने से पहले भी उसने कई दफ़ा टिकट घर पर शिकायत की थी जबानी और लिखित दोनों में। तो इसका जब चोरी हुआ पहले भी इसने कई बार इस तरह के लोगों को यहाँ से ना आने दिया जाए करके इसने लेटर भी दिया था कंप्लेंट भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। साथ ही एक प्रमुख स्थानीय अखबार में भी पाठकों के पत्रों के अंतर्गत उसे टिकट घरों पर भिखारियों के बढ़ते उत्पात और यात्रियों की परेशानी को रेखांकित करते हुए एक कड़ा विरोध पत्र लिखा था। पहले भी इसने एक पत्र लिखा था न्यूज़पेपर में भी दिया था कि इस तरह
भिखारी आके बहुत परेशान करते हैं, जिसमें उसने स्टेशन अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही पर तीखी टिप्पणी की थी कि हम बांद्रा पूर्व और पश्चिम के यात्रियों का दोनों ओर के टिकट घरों पर इत्मीनान से खड़े रह पाना मुहाल हो गया है। मतलब टिकट लेने के लिए अब बॉम्बे की कल्पना करके देखिए, चेन्नई की कल्पना कीजिए, चेन्नई की तुलना में बॉम्बे बहुत ज़्यादा भीड़ भरा इलाका है बॉम्बे रेलवे स्टेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। वहाँ पे आपको ट्रेन चढ़ना उतरना दोनों मुश्किल है, उसके लिए अलग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जो पहली बार जाता है वो बस ऐसे देखते रह जाता है कि चलो भाई एक ट्रेन चली गई, अगली गाड़ी आएगी तो उसमें हम चढ़ जाएंगे। अरे अगली गाड़ी उससे बदतर आएगी, मतलब उसमें चढ़ने की आदत उतरने की आदत नहीं होने से भी लोग आपको उतार देंगे वो अलग बात है, लेकिन चढ़ने की आदत होनी चाहिए। चेन्नई से भी ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? मुंबई में होती है। तो इस तरह वहां पे खड़े होके टिकट घर में उसके सामने लंबा क्यू में खड़े होके टिकट लेना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए इन्होंने बहुत बार कंप्लेंट भी किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, पर संबंधित अधिकारियों के कान पर जून तक नहीं रेंगी। उन्होंने टका सा जवाब थमा दिया कि जब सरकार ही इस समस्या को सुलझाने में विफल रही तो बताइए हम क्या करें। सही बात है, जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है भिखारियों को हटाने के लिए या भिखारियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हम क्या कर सकते हैं करके अधिकारियों ने अपना जवाब दे दिया। बनवाए तो गए हैं भिक्षुक गृह, भिखारी पकड़ो और पकड़वाओ, मुंबई शहर को स्वच्छ बनाओ अभियान के अंतर्गत हजारों भिखारी लावारिस कुत्तों की भांति नगर पालिका की वैन में ढूंस ढूंस कर भिक्षुक गृह नहीं पहुंचाए गए। तो आगे ये भी बोलते हैं भिक्षुक गृह तो बना हुआ है तो भिखारियों को क्या किया जाता है, गाड़ी में जैसे कुत्तों को भरा जाता है, ब्लू क्रॉस वाले रेड क्रॉस वाले जो आके कुत्तों को लेके जाते हैं, म्यूनसिपल वाले आके जो कुत्तों को लेके जाते हैं, उस तरह गाड़ियों में भिखारियों को भरा जाता है और ले जाते वहां प्रेक्षक गृह में तो कुत्तों छोड़ा जाता है ना। मगर कड़ी निगरानी के बावजूद क्या उन्हें बांध कर रखा जा सकता है? पागलों को भी बांध कर रखना गलत है लेकिन बांधा जाता है पागलों को क्योंकि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो भिखारियों को बांध के रखना मुश्किल है, आसान है नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दिन बाद फिर वो लोग अपने धंधे पर वापस आ जाते हैं। सच तो यह है साहब, हम स्वयं इन लोगों से परेशान हैं, एक अधिकारी ने डूबे हुए स्वर में हताशा जताई। रेलवे पुलिस को हमने यह मामला सौंपा हुआ है, महीने भर पहले की बात है, उनकी कड़ी निगरानी और सख्ती का ही नतीजा था कि हफ्तों तक ये भिखमंगे भिखमंगियां टिकट घर के सामने नहीं फटके। मगर क्या करें साहब, आखिर पुलिस 24 घंटे इन्हें ही ताके पुलिस वाला इनको ही देखते रहेगा, इनको ही भगाते रहेगा, उनके ऊपर भी तो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, उनको सिर्फ भिखमंगों को ही देखना नहीं है, दूसरी तीसरी जिम्मेदारियां हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे। पहले तो साहब उन्हें अपनी भीख देने और इन भिखारियों के माध्यम से अपना परलोक सुरक्षित करने की आदत से निजात पाना होगा। हम अक्सर लोग भीख क्यों देते हैं, दया के कारण देते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरों की सहायता करने से हमें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो ये सोच के दे देते हैं। अभी नहीं देंगे तो वो चार बातें सुनाएंगे, उसका पाप किसको लगेगा, हम लोग को लगेगा, ये सब हमारी सोच है। अभी उसके चलते स्वर्ग में हमें अपनी जगह बनाना है, अपना स्थान स्वर्ग में बनाना है, तो लोग क्या करते हैं, भिक्षा दे देते हैं कि नहीं देते हैं ना। आप लोगों को कभी मेनलैंड जाने का मौका मिला है? गए हैं हा? जो नहीं गए हैं उनके लिए अक्सर ये होता है कि हम लोग उनको देखते हैं, चलो एक 10 रुपया ना दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं कुछ लोग। अभी लेखक लेखिका का कहना है कि स्वर्ग में जगह बनाना है, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे कवि। सूरज, रवि मतलब सूरज, सूरज भी जहाँ नहीं पहुँच पाता है कवि का मन वहाँ पहुँच जाता है। तो हम लोग कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, राइटर साहित्यकार कल्पना किसी भी हद तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहती हैं कि स्वर्ग में इनको जगह बनाना है, परलोक में अपनी जगह बनाना है, इसीलिए पैसा भी ये लोग ले देते हैं।
असलियत तो यह है कि यात्रियों ने ही इन्हीं स्टेशनों और सड़कों पर रखा है। कई दफे तो पुलिस अभियान में भी यात्रियों ने जबरन दखल देकर इनके पक्ष में पुलिस से ही तकरार ठान ली कि एक तो सरकार गरीबी हटा नहीं पा रही, इस पर इन मुसीबत के मारों और मजबूरों पर जब तब डंडे बरसाकर उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। जब इस तरह पुलिस आके कार्रवाई करती है, उनको उठाते हैं, उनको मारते हैं, उनको भगाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सरकार तो भीख मंगी को नहीं हटा पा रही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, कम से कम भीख मांग के वो लोग अपना पेट भर रहे हैं ना, तो उनको आप क्यों मार रहे हो, उनको क्यों परेशान कर रहे हो। जब पब्लिक इस तरह बोलती है तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते है ना। अब बताइए हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं। तो एक समस्या है, गंभीर समस्या है, इसको सुलझाया जाए कैसे, हमें आपकी सुविधा असुविधा का बराबर ख्याल है। दरअसल जब तक आप लोग स्वयं इनसे नहीं निपटेंगे, हम लाख शक्ति बरतें ये नहीं मानने वाले। जब तक देने वाला होता है, हाथ फैलाने वाला होता है, समझ गए, देने वाला होता है, जब तक देने वाला है तब तक लेने वाले रहेंगे। मुफ्त में इलेक्शन में वोट पाने के लिए मुफ्त में बांटा जा रहा है, क्यों बांटा जा रहा है, कि लेने वाले हैं। अब लेने वाले क्यों हैं, क्योंकि हमको पता है कि देने वाला है। क्या मैडम, लेने वाले है ना। तो जो लेने वाले हैं उनके कारण देने वाले हैं, देने वाले हैं उनके कारण लेने वाले हैं। फिर इसको थोड़ा सा फास्ट गाएंगे तो आपका रैप सॉन्ग बन गया, रैप ना। गाने वाले हैं यार रैप, कोई नहीं है, कोई नहीं है। टिकट घर के सामने इनसे कम गंदगी होती है, कोने कोने पर अपने चीकट मैले कुचैले नंगा धड़ंग बच्चे बैठा देंगी, जो खाना हगना मूतना एक साथ निपटाते रहेंगे। खाना भी वहीं खाएंगे, टॉयलेट भी वहीं करेंगे, यूरिन भी वहीं पास करेंगे। एक सब्वे नहीं बनना चाहिए, मेनलैंड के सारे सब्वे में क्या है, बस भीख मंगे भरे हैं। ठीक है, रात को सोते ही वो अलग बात है, लेकिन उनका हगना मूतना सारा वहीं पे हो जाता है, खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता है। इंसान है ना, वो तो होता ही है, हर दिन सुबह पेट साफ नहीं होगा तो क्या होगा। अब बेचारों को भी करना है कहीं जगह, सरकार को करना है ये सब। और तो और, गाड़ियां तो जैसे इनके बाप की मिल्कियत है, फ्री पास दे रखा है रेलवे ने इन्हें कि यात्रियों से घूमते टहलते डिब्बे डिब्बे डोलते आराम से भत्ता वसूल करते रहो। क्या बताएं कितना नुकसान उठाना पड़ता है, घाटे में ऐसे ही थोड़े चल रही रेलवे। रेलवे घाटे में है, इसका कारण क्या है, इस तरह के लाखों लोग भिक्षा मांगने के लिए घूमते रहते हैं, स्टेशन में चढ़ गए, उनका लिंक होता है, बड़ा तगड़ा लिंक होता है, अगला स्टेशन में चेकिंग है तो ये लोग पहले स्टेशन में उतर जाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, चेकिंग है अगला स्टेशन में, वहाँ पे टिकट कलेक्टर बैठा खड़ा है, टिकट चेक कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, पहले स्टेशन में उतर जाएंगे, या पहले स्टेशन में नहीं उतर पाए, ठीक है, कुछ इस तरह का बर्ताव करेंगे कि वो भी उनको पहचान जाते हैं, उन सबका अंडरस्टैंडिंग होता है, टिकट कलेक्टर का भी भिकमंगों का भी उनका बड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है। क्यों अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि वो उनको उनका पेट भरते हैं, बार बार उनको कुछ देते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ कुछ चलते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग भी होता है। वह उनके तर्कों से काफी कुछ सहमत होते हुए भी असहमत हुआ, जैसा कि अधिकारियों का दावा था कि पिछले महीने रेलवे स्टेशनों से भिखारियों को खदेड़ने में उन्होंने काफी सफलता अर्जित की और यात्रियों को उनके उत्पाद से राहत दिलाई, तो फिर अनुशासन और कड़ाई में कतई ढील नहीं आने देनी चाहिए। ढील आई क्यों, भीख मांगना मजबूरी नहीं ना, उसका ताल्लुक मात्र पेट भरने और तन ढकने से है,
भीख मांगना लोगों का पेशा हो गया है। पेशा इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। सख्ती करनी होगी सख्ती, वरना भिक्षु गृह से भिखारी रातों रात दीवार फांद कर भागते। तो जब वो कहता है कि पिछले महीने हमने बहुत कंट्रोल कर दिया था, पिछले महीने जो यात्री थे वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि भिखारियों को हमने बहुत कंट्रोल कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था, तो फिर भिखारी आए क्यों? फिर उसमें जो आपका जो भी आप पनिशमेंट देते हैं उसमें सख्ती बरताना चाहिए, उसको साफली हैंडल नहीं करना चाहिए। भिक्षु गृह में जब छोड़ा जाता है तो उनको वहाँ पे उनकी रखवाली करनी चाहिए। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है बल्कि एक पेशा हो गया है, पेशा उद्योग। ठीक है, जब आदमी किसी उद्योग में जुड़ जाता है तो वो उतनी आसानी से उससे नहीं छूटता है। आप ये देखिए, भले बच्चे जिन माँ बाप को भीख मांगने की आदत हो गई, भले बच्चे बड़े हो जाए, बड़े अच्छे पोजिशन में पहुँच जाए, उसके बावजूद क्या होता है, वो उस हालत से अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा रिसेंटली मैंने एक दो साल पहले शायद एक IAS ऑफिसर की माँ, बेटा बन गया IAS ऑफिसर, ठीक है, लेकिन माँ वही सड़कों पर है, बेटा IAS ऑफिसर बन गया। अब वो कितना अच्छा, वो बढ़िया घर में उसको रख सकता है, लेकिन माँ जाने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूज़पेपर में सब आया था, तमिल न्यूज़पेपर में सब आया था। तो जिस हालत में आदमी रह जाता है उस हालत से उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी लेखिका कह रही है कि वो उनका क्या बन गया है, अभी पेशा बन गया है। जब आदमी का पेशा बन जाता है तो उससे उसको छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। अंधे लूले लंगड़ों की तो लाचारी समझी, मगर हट्टी कट्टी रियायती रिरियाती ये मुस्टंडियाँ पेट से बाहर करते ही अपने पिल्लुओं को भी पीछे लगा देती हैं। यूँ देखो तो मोहल्ले में बाइयाँ नहीं मिलेंगी। जब बच्चा पेट में रहता है तब तक तो ये लोग सहन करते हैं, जब बच्चा एक बार बाहर आ जाता है तो उसको भी भीख के लिए अभी भेज देते हैं, उसको भी उस काम में वो लोग लगा देते हैं। तो यदि आप घर के काम करने के लिए औरतों को ढूंढिए, घर के काम करने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ मेहनत मत करो, आसान तरीका है पैसे कमाने का, बस आपको ये हाथ को ऐसा ऐसा करना है, कोई मेहनत मजदूरी कुछ करने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? सुषमा यानी पत्नी पिछले 3 साल से कामचोर कमली की धौंस बर्दाश्त कर रही है। तो वो कहता है कि सुषमा जो मेरी उसकी पत्नी है, वो 3 साल से कामचोर जो नौकरानी है उसकी उसको धांधली को वो बर्दाश्त कर रही है, धौंस को। चाहे वह टाइम बेटाइम आए या जब जी चाहे, बीमार पड़े पड़ ले या नाते रिश्तेदारी में किसी को मार डाले, बहाना उसका रहता है, नहीं भैया नहीं भाभी आज ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने रहते हैं और वो आती नहीं है काम पे टाइम से। जेब कटते ही बौखलाया सब स्टेशन इंचार्ज के सामने जा धमका था। ये भिकारने गैंग लीडर हैं, भीख के लिए संस्पर्श गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ये यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें पूरी तरह सावधान बना देती हैं। तो क्या करते हैं, गिड़गिड़ा कर हम दया करते हैं उनके ऊपर, उनका गिड़गिड़ाना हमसे देखा नहीं जाता है, गिड़गिड़ा के ये क्या करते हैं, पैसेंजर्स को असावधान कर देते हैं, मतलब हमारा दिमाग कुछ और सोचने लग जाता है। जो जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखते हैं वो अभी धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और भटकने लगता है। और इनके गुर्गे क्यू में यात्रियों की शक्ल में धंसे मौका पाते ही लोगों की जेब साफ कर देते हैं। तो जो औरत गिड़गिड़ा रही है उसने साफ नहीं किया है, वो तो गिड़गिड़ा रही है क्योंकि छोड़ो ना, जब हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं तो कोई दूसरा आता है लड़कों के पीछे वाला पैकेट से, अक्सर बच्चे यहाँ सब रखते हैं ना, तो आराम से यहाँ से निकाल देंगे, आराम से इनको पता ही नहीं चलेगा। यह तो एक पक्ष है, और सुनिए अधनंगी बैठे बैठ ये ग्राहक भी फंसाती हैं, चकला बना रखा है। टिकट घरों को इन मक्खियों ने, 2-4 सिपाही टिकट घर के सामने तैनात नहीं कर सकते आप, जो इन पर कड़ी निगरानी रखें, बैठना तो दूर इन्हें घुसने ही ना दें। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं, वह मेज पर पूरी ताकत से मुक्का पटक कर चीखा था, ये टिकट घर है या लूट के अड्डे, टिकट घर है या लूट के अड्डे, इतना उसने गुस्सा किया।
पहले नहीं किया। शांता घबरा गई एकदम। शांता है, शांति से रहने वाली। ये एकदम हंगामा हो गया, शांत हो गया, इतना गुस्सा आ गया उसको। जाके क्या बोला, मेज पटक के बोला, ठीक है गुस्से में हम लोग करते हैं ना, अभी मैंने बहुत शांति से किया है, लेकिन गुस्से में क्या करते हैं, जोर से। किताब हाथ में है तो किताब ऐसा रख देते हैं, कुछ भी। जब गुस्सा आता है आदमी एकदम आपे से बाहर हो जाता है, क्या करता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसको अभी क्या हुआ था, अभी भिखमंगों के ऊपर इतना गुस्सा आया कि वो जाके टेबल पे ऐसा हाथ फटका के क्या किया, गुस्से में क्या कहा, क्या कहा, टिकट गए, टिकट घर है या लूट के अड्डे, देखिए चीखिए मत। फिर वो कहता है चीखिए मत, देखिए आराम से वो बात करता है, मेरे जैसा नहीं बोलता, जो भी कहना है उसे शांति से भी तो कह सकते हैं। स्टेशन इंचार्ज के वाक्य में चीड़ स्पष्ट थी, अब वो देखिए आराम से बताइए, आराम से भी तो ये बात कही जा सकती है ना, इतना गुस्सा क्यों, आराम से शांति से। उनको नहीं पता कि हमारे यहाँ शांति है, उनके यहाँ शांति नहीं है, ठीक है शांता। मेरी जेब से 150 रुपये क्यू में खड़े खड़े निकल गए, टिकट तक के लिए कानी कौड़ी ना बची, मामूली बात है। अब बेचारा पैसा खोया है, उसको तो गुस्सा रहेगा ना, 150 रुपया क्या मैडम, आप भी 150 रुपये के लिए इतनी बड़ी कहानी लिखने की कोई जरूरत है, उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी। स्टेशन इंचार्ज ने उसका वाक्य पूरा होने नहीं दिया, रिपोर्ट लिखवा दीजिए, अब वो अपने काम में, ठीक है आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मतलब उसका काम था रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोलना। उससे क्या होगा, वह फिर उखड़ा, क्या होगा इससे, क्या होगा, कई बार तो मैं रिपोर्ट लिखवा चुका हूँ, ऐसी रिपोर्ट्स तो आपके पास दिन में बीसियों आती रहती हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आपने कार्रवाई क्यों की, क्या किया है, कोई कार्रवाई आपने किया है आज तक, शो मी क्या किया है आपने सिवा बातें बघारने का। आप पहले अपना टोन संभालिए, वो कहता है वो चिढ़ रहा है अभी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, इस तरह बातचीत नहीं हो सकती। किस तरह हो सकती है, अच्छा इस तरह नहीं हो सकती, तो किस तरह हो सकती है। उसकी मुद्रा आक्रामक हो गई, पर दूसरे ही क्षण उसने अपने को संयत सतर्क किया, यह सरकारी महकमा है। फिर उसको लगा, उसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसको लगा कि ये तो सरकारी अफसर है, इसके सामने कुछ ज़्यादा अपना ढींग नहीं पीटना है, थोड़ा आराम से बात करना है, संयम से बात करना है। उसका रत्ती भर असंयत आचरण मुसीबत खड़ी कर सकती है, यदि वो जरा भी इधर उधर की बातें कर देगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा सुना देगा, वो तो सरकारी अफसर है, इसको कैद भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। दफ्तर में बैठा हुआ यह घोड़मुखा बाबू इस वक्त बब्बर शेर है। घोड़मुखा मतलब घोड़े जैसा मुख वाला ये जो ऑफिसर है अभी क्या बना हुआ है, बब्बर शेर, जो अपनी मांद में इसका पवा भारी, क्योंकि वो अफसर है, इसीलिए अभी उसकी जगह पे आके मैं इस पर रौब नहीं जमा सकता, तो मुझे थोड़ा आराम से शांति से बात करना, जस्ट लिसन। जब आपको पता है कि मात्र हमारा स्टेशन ही नहीं पूरा मुंबई पिक पैकेटिंग से त्रस्त है, तो आप क्यों में असावधानी से खड़े ही क्यों होते हैं। ओके, माना कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का दायित्व हमारा है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप आराम से बंसी बजाते रहिए और हमसे अपेक्षा करते रहिए कि हम हर क्षण आपका साया बनकर आपकी निगरानी करते रहेंगे। मेरा साया साथ होगा, तो वो कहता है, मैंने कह रही हूँ, वो कहता है कि आपका साया आपके साथ हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी आपका साया बन सकता हूँ, मेरा साया मेरे साथ होगा, है कि नहीं। मैं एक कदम चलूं तो वो दो कदम आगे रहेगा, मैं एक कदम चलूं तो वो दो कदम आगे रहेगा, लेकिन दूसरा विद्या मेरा साया तो नहीं बन सकती ना। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान आपको खुद रखना है, हम कितना आपका ध्यान रखेंगे जब आप अकेले अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, तो हमारी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है।
हजारों लाखों यात्रियों की सुरक्षा का भार हम पर है। त्रुटि रह जाना स्वाभाविक है। जब स्थिति की गंभीरता समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, उल्टा आप हम पर बोल रहे हैं। अरे जब माँ बाप घर में एक बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं, केजी क्लास में उसको जैसे 2-2.5 हुआ उसको केजी में जाके डाल देते हैं, लेकिन टीचरों के ऊपर दोष देते हैं कि अरे मेरे बच्चे को तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं ये टीचर दिन भर क्या करते रहते हैं। अरे माँ बाप, आप तुम एक बच्चे को अपने घर में नहीं संभाल पा रहे हो। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ 2 साल से, सारे माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं। सबके दिमाग में यही बात है कि पता नहीं इन बच्चों का स्कूल कब खुलेगा, क्योंकि बच्चे एकदम नटखट घर में परेशान करके रखे हैं। दिन भर माँ बाप उनको नहीं झेल सकते हैं, लेकिन वो टीचर झेलना पड़ेगा। जो बच्चे को एक माँ बाप दादी दा नानी दादी जो भी है घर में बड़े मिलके नहीं संभाल पाते हैं, उनको एक टीचर संभालती है। 40 बच्चे हैं, 40 को संभालना है, ऊपर से टीचर को सुनना भी है कि मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। आपका अकेला बच्चा नहीं है, वहाँ 40 बच्चे हैं, इस बात को कोई नहीं समझता है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या कहता है मैनेजर, आपको अपना साया, उसके ऊपर भी आपको डाउट करना है कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। अरे तुम्हारा साया है, लेकिन वो मेरे साथ तो नहीं रहेगा, साया तो थोड़ा दूर रहेगा। हम आपका साया बन के आपको नहीं देख सकते, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है। ठीक है, हमें आप समझदारी और सहिष्णुता की घुट्टी पिलाइए। आप किसी विधानसभा या म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर को चूना लग गया होता ना, तो आप जमीन आसमान की कुलांचे भरते नजर आते। ठीक है, हम कॉमन पब्लिक हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए आपको कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। यही कोई म्यूनसिपल वाला कोई बड़ा अधिकारी किसी बड़े अफसर के साथ इस तरह कुछ हो जाता ना, तो अब तक आप उल्टा पुल्टा नाच रहे होते, जमीन आसमान को आप लोगों ने एक कर दिया होता। कोई बड़ा ऑफिसर ट्रेन में क्यों आएगा, पहली बात आएगा तो भी उसके आगे पीछे 4 लोग होंगे, लेकिन फिर भी वो बड़ा ऑफिसर है, ओके, तो उसके साथ ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरे कैटेगरी के लोग हैं, हम थोड़ा प्रोफेसर कैटेगरी के जो लोग हैं, हम लोग जाते हैं, हमारे आगे पीछे तो कोई पुलिस वाला नहीं रहता है ना। अब मान लो मेरे साथ हो गया, अब मैं जाके वहाँ पे तुरंत मैं कंप्लेंट कर रही हूँ इमीडिएटली, तो मेरा पोजीशन को देख के कम से कम एक्शन लिया जाएगा, ठीक है कि ये फलाना डॉक्टर एन लक्ष्मी है, यहाँ पे ये प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, तो इनको हेल्प करना है, इमीडिएटली थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाएगा। मुझे थोड़ा सम्मान की दृष्टि, मैडम आप बैठे हम देखते हैं, आप बैठे प्लीज, है कि नहीं। लेकिन वही एक कॉमन आदमी, एक कॉमन पब्लिक जिसका कुछ नहीं है, जो कि सिर्फ एक 5-6 हज़ार कमाता है, ठीक है 10 हज़ार कमाता है, एक कॉमन पब्लिक है, वो जाके बोलेगा तो उसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो यही ये कहता है कि यदि म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर का कुछ इस तरह हो जाता तो अब तक क्या हो जाता, जमीन आसमान को आप लोग एक करके खोजबीन करते, तलाश करते, सब करते। आप साहब हमें उलांग रहे हैं। अब ये कहता है बस बस करिए, आप बहुत ज़्यादा अभी सुना रहे हैं हमको। क्या हुआ भाई? अरे भाई पॉकेट कट गई किसी की। ये पॉकेट मार जिन्न है, जिन्न हराम खोरों ने जीना मुहाल कर रखा है, ढूंढो साले को। अचानक पीछे की क्यों प्रश्नों के बबूलों के साथ कसमस आई, तो पीछे जो लोग खड़े थे वो अचानक पूछने लगे क्या हुआ भाई। वह अपनी एकाग्रता से टूट कर सजग हुआ, क्यों से थोड़ा बाहर आकर पीछे मुड़कर देखा, पीछे की क्यों अपने अग्रभाग से कटकर भीड़ में परिवर्तित हो उठी थी, मामला समझ गया। अब ये अपने ही ख्यालों की दुनिया में था, ये सारी बातें वो सोच रहा था, अब तक क्यों में खड़े होके, तब तक पीछे बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया था। जैसे उसने पीछे पलट के देखा जो क्यों था, तो क्यों अभी क्या हो गया था, भीड़ में परिवर्तन हो गया था। कोई एक भिकमंगा बच्चा था 8-9 साल का, माँ वृद्ध सज्जन के पीछे पड़ गई कि वह कुछ न कुछ जरूर दे उसे, 3 दिन की भूखी है। वृद्ध सज्जन उसे सुना अनसुना करने लगे, तभी वह बच्चा उनको धकियाता सा बीच से निकलकर परली ओर भागा, जैसे अचानक उसे कोई जरूरी काम याद आया हो और उसे तुरंत वहां पहुंचना हो। किसी ने उसकी इस हरकत को विशेष नहीं लिया। माँ तब तक आगे बढ़ चुकी थी कि एकाएक वृद्ध सज्जन का परलोक
उमड़ा। उन्होंने इशारे से उसे वापस बुलाया और कुर्ते की जेब में हाथ डाला, पर पर्स जेब से नदारद था। तो एक बूढ़ा आदमी बहुत देर वहां खड़ा था क्यों में, ठीक है। तो ये एक बूढ़ी औरत आके उसके पैर को पकड़ के गिड़गिड़ा रही है, कुछ दे दो बाबा, 3 दिन से भूखे हैं, दे दो। तब तक एक छोटा बच्चा वहां से एक इतनी स्पीड में वो भागा, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान, ये भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, ठीक है। अब वो थोड़ा आगे निकल गई। निकलने के बाद अभी ये जो बूढ़ा आदमी है, इसको लगा कि अब इसका परलोक याद आ गया, मतलब अरे ऊपर जाने से फिर मुझे तो दान तो देना है, मदद करनी है। अब इसके दिमाग में जैसे ये बात आई, उसने इधर आओ, हम बुलाते हैं ना, कोई आगे निकल जाता है तो हम पीछे से बुलाते हैं, इधर आओ करके फिर जेब में हाथ डाला। जैसे जेब में हाथ डाला, उसका पर्स वहां पे नहीं था। वही उसी छोकरे की कारस्तानी है, जबरन धक्का मारते गया और मेरा पर्स, वृद्ध सज्जन बोलते हुए हकलाते से लगभग रुआंसू हो गए। तो ये बोलते बोलते उनके आंखों से एकदम आंसू, अरे वो छोटा बच्चा है, उसी ने धक्का मुझे दिया था, हो सकता है उसी ने छुराया हो, उसी लड़के का काम है करके जब बोलते बोलते उनको एकदम रोना भी आ गया। यही माँ है उसकी, इसको पकड़ो, इसे पक्का मालूम होगा कि वह कहाँ होगा। भीड़ ने माँ को घेर लिया, वह भय से थर थर कांपने लगी, इनकार करने लगी कि उस छोकरे से उसका कोई रिश्ता नहीं, वह तो जानती भी नहीं उसको, और अगर अपने बच्चे को ऐसी हराम की ही कमाई खिलानी होती तो उसे तो भला वह दिन दिन भर खड़े बैठे उनकी दया दृष्टि को रियाती। वो कहती है, अरे मेरे बच्चे को इसी तरह चोरी करके मुझे खिलाना है तो मैं आपके पैर क्यों गिड़गिड़ाती, मैं आपके पैर क्यों पड़ती, मैंने ऐसा नहीं किया है, उस लड़के से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बच्चे तो घर पर हैं, माए बाप उसे समझने की कोशिश करें, उस दुखियारी पर रहम करें, उसके बच्चों की सौगंध आईची यानी माँ की सौगंध, बापची सौगंध, मराठी में बोल रही है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसे छोड़ दिया जाए, नहीं हरगिज नहीं, लगाओ चुतरों पर, हरामजादी अभी भकुर देगी, इसी के आगे पीछे रोज चिपटा दिखता है छोकरा, बन रही है अब। तो ये लैंग्वेज ऐसे ही होता है, लोकल लैंग्वेज है, इसीलिए इस तरह जब तक इस तरह की भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे गलियों में लोग झगड़ा करते हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, एक कहानी जब हम पढ़ते हैं, कहानी क्या है, आप सिनेमा में भी देखते हैं तो इसी तरह की गालियां आपको मिलेंगी, क्यों, क्योंकि तभी वो लोकल का जो प्रभाव है वो तभी होगा। इसीलिए यहाँ पे भी लेखिका को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि भिखारी के रूप को, दृश्य को दिखाना है, अब भिखारी के लिए लोग क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाना है, इसीलिए इस तरह की भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। वह अब अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाया, भूल ही गया कि उसे मर्चेंट चैम्बर 11 बजे पहुंचना है। देखा जाएगा, मौका अच्छा है, वारदात भी है, भीड़ भी है, भीड़ में आक्रोश भी है, उत्तेजना भी है, प्रतिशोध भी है। अभी पहले से ही नाराज था, रेलवे पुलिस पर, रेलवे वालों पर बहुत नाराज था, आज उसको मौका मिल गया उसे, हालांकि 11 बजे उसको कहीं पहुंचना था वो भी भूल गया, उसको लगा कि ये अच्छा मौका है, मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भीड़ भी है, लोग भी हैं, गुस्से में भी हैं, प्रतिशोध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस वक्त अगर वह छोकरा हाथ चढ़ जाए तो इतने हाथ और पांव पड़ेंगे साले के ऊपर की, चलो छोकरा ना सही, छोकरे की माँ सही, सारे फसाद की जड़ तो यही भिखमंगियां हैं, इन्हीं से निपटा जाए, इन्हीं से निपटना होगा, इन्हें खदेड़ना होगा, भीड़ भी है, जागी हुई भीड़ जो बड़ी मजमेबाजी, चक्करबाजी, नारेबाजी, भाषणबाजी, झंडेबाजी, दुर्घटनाबाजी, हड़तालबाजी से पैदा होती है, कितनी सारी बाजी कैसे कैसे भीड़ होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, मजमेबाजी, चक्करबाजी, नारेबाजी, भाषणबाजी, झंडेबाजी, दुर्घटनाबाजी, हड़तालबाजी, इस तरह कहीं पे भी आप एक भी के हौसले से अगर उसे पूरा कर दिया जाए तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ जाती है, नतीजे भी अपने हक में होते हैं। इकट्ठी हो गई है फिर कुछ तो होगा ही होगा अंजाम। वह फुर्ती से टिकट घर के भीतर घुसा और किसी चपरासी का स्टूल खींचा, ठीक भीड़ के आगे दहाड़ता हुआ चढ़कर खड़ा हो गया। इमीडिएटली उसने क्या किया, अंदर गया, अंदर वाला भी सब पका गया, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये आदमी, कौन है, अंदर आ गया अचानक से,
वहां से एक स्टूल लाया, उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। अब ये क्या बन गया था? नेता बन गया था। तो क्या कहता है? उसकी मुट्ठियां ऊंची, छत की सीध में तन गई, तनी हुई नसों के साथ एकदम ऐसा खड़ा हो गया। स्ट्रिक्ट, इतना गुस्सा, क्योंकि उसके अंदर पहले से गुस्सा भरा हुआ था। भाइयों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह जेब कतरा बच्चा कोई गैर बच्चा नहीं, बल्कि इसी भिकमंगी का बच्चा है। और इनका धंधा वस्तुतः भीख मांगना नहीं, आप लोगों की गाढ़ी कमाई को उड़न छू करना है। आप इत्मीनान और सुरक्षा से टिकट घर के सामने खड़े नहीं रह सकते। हम कुछ एक यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों के समक्ष इन कथित समस्याओं को बार बार उठाया है, लिखित और मौखिक दोनों ही रूपों में अपनी आपत्ति प्रदर्शित की है। टाइम हो गया क्या? यस मैम। हाँ, इसीलिए तो सर चक्कर काट रहे क्या? नो मैम। और मौखिक दोनों ही रूपों में अपनी अपनी आपत्ति प्रदर्शित की है कि हम सब यात्री भिकमंगियों और भिकमंगों के उत्पात से गले तक त्रस्त हैं, कि ये भिकमंगियाँ, ये जवान भिकमंगियाँ आदमी की बैठकर यात्रियों का मनोबल ही नहीं डिगाती, बल्कि धंधे के लिए ग्राहक भी डुलाती हैं। तो ये केवल क्या करती हैं? सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं करती हैं, बल्कि ग्राहक भी जुटाती हैं। किसके लिए? वेश्यावृत्ति के लिए, धंधे के लिए क्या करती हैं? ये लोगों को भी इकट्ठा करती हैं, ठीक है? ऐसा भी ये लोग काम करते हैं। ये घिनौनी हरकतें हमारे स्टेशनों के नाम पर कलंक हैं। क्या हम यात्रियों का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हम अपने स्टेशनों के को व्यभिचार और गुंडाई का अड्डा बनने ना दें? सच तो यह है कि इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ रेलवे प्रशासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई कतई संतोषजनक नहीं है। तो वो क्या आगे क्या कहता है कि इस तरह के गुंडे, चोर, इन लोगों से, फिर जो वेश्यावृत्ति करते हैं, इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे इस स्टेशन को, इस प्लेटफॉर्म को, हमारे देश को बचाना क्या हमारा काम नहीं है? एक नागरिक होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी नहीं है? आज तक रेलवे वालों ने जो भी कार्रवाई की है वो सब संतोषजनक नहीं था, उसमें उल्टा अधिकारियों का तर्क है कि इन बुराइयों को जब यात्री प्रश्रय देते हैं तो हम कैसे और किस तरह सुलझाएं? ऊपर से ये जो मैनेजर लोग हैं रेलवे वाले क्या कहते हैं कि जब लोग यानी यात्री जब कहते हैं अरे उनको छोड़ दीजिए ना, वो तो मजबूरी है, जब देश कुछ नहीं कर सकता, जब राजनीति के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? जब यात्री इस तरह कहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं करके अधिकारी लोग बोलते हैं। तो भाइयों, हमें इस समस्या से स्वयं निपटना है। आइए मेरे साथ सहयोग कीजिए। हम अभी इसी वक्त इन माँ करके वो फिर से वो गाली निकालता है भिकमंगियों और भिकमंगों को हकाल फेंकेंगे, और इस भिकमंगी को तो पुलिस के हवाले करके ही छोड़ेंगे। यह ऐसे नहीं कबूलेगी, मिर्चें भरी जाएंगी तो फौरन कबूलेगी। आइए अपनी सुरक्षा की खातिर हम इन्हें बाहर खदेड़ दें। सकता ये खड़ी भीड़ पर उसकी ललकार का आशातीत असर हुआ। टिकट घर के सामने जैसे भूचाल आ गया, जैसे भूकंप आ गया, वैसे टिकट घर के सामने एकदम लोगों की भीड़ जम गई। यात्री भिखारियों पर टूट पड़े और उन्हें घसीट घसीट कर सड़क पर ले जाने लगे। उनके बासन, मैली कुचैली चादरें बाहर फेंक दिए गए। उनके बच्चे सहमे, रोते, चीखते, बिलबिलाते बाहर भागे। स्टेशन इंचार्ज, मुरादाबाद रेलवे पुलिस, मुरादाबाद करके नारे टिकट घर के सामने लगाने लगे। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए यात्री जहां के तहां अबूझ से टिटक खड़े हो गए। क्रुद्ध भीड़ के आतंक से भयभीत टिकट खिड़कियां खटाखट बंद कर दी गई कि कहीं तोड़ फोड़ ना शुरू हो जाए। अब क्या हो गया वहां पे? एक स्ट्राइक का माहौल बन गया, तोड़ फोड़ का माहौल बन गया। एक तरफ नारेबाजी होने लगी तो इमीडिएटली रेलवे वालों ने क्या किया, सारी खिड़की वगैरह सब बंद कर दिए, क्योंकि कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए, कहीं खिड़की को तोड़ दिया जाए, कहीं दरवाजे को तोड़ दिया जाए। इसलिए वो फटाफट अपनी प्रॉपर्टीज की रखवाली करने लगे। खिड़कियां बंद होते ही तत्काल रेलवे पुलिस जत्थों में प्रकट हो गई। तुरंत रेलवे पुलिस वहां पे जत्थों में, मतलब ग्रुप ग्रुप में रेलवे पुलिस भी वहां आ गए। सिपाहियों ने सबसे पहले उस भिकमंगी को पकड़ा, फिर यात्रियों से विनम्र निवेदन करने लगे कि वे कृपया शांत हो जाएं और शांति से काम लें, वे स्वयं उन्हें हटाने का कार्य करेंगे। फिर
फिर वो सबको बोलने लगे, प्लीज आप कृपा करके आप लोग शांत हो जाइए, आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, आप यहाँ पे खड़े मत होइए, आप यहाँ से जाइए, हम इनको देख लेंगे, हम इनका ठिकाना लगाएंगे, आप जाइए करके वो अनाउंस करने लगे। और आइंदा उन्हें यहाँ फटकने नहीं दिया जाएगा, नहीं, उसने मुट्ठियाँ दृढ़ता से तानी और अपनी आवाज को नारा बनाया, हम अब आपके झांसे में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो जो नेता बन के है वो बोल रहा है, हम आपके झांसे में बिल्कुल नहीं आएंगे। कोरे आश्वासनों से शांति और व्यवस्था नहीं बन सकती है, कोई सजा नहीं दी जाती है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है तो कोई काम नहीं बन सकता है। इसीलिए मैंने आपको अभी सजा के रूप में सुनाया है, सिर्फ मैं बोलती रहूंगी कि मुझे सबमिट कीजिए, सबमिट कीजिए। अरे पिछले बार भी तो नहीं देखा ना, अभी कहाँ देखेंगे, ऐसा दिमाग में है आप लोगों के, लेकिन सबमिट करना है तो करना है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, आश्वासन से कुछ नहीं होता, क्या देना है, सजा देना है, सजा देने से ही होगा। यह टिकट घर या गुंडे ही का अड्डा, ये मुस्टंडियां मजदूरी कर सकती हैं, घरों में बर्तन घिस सकती हैं, मगर पोलकों के बटन तोड़ भीख मांगने बैठ जाती हैं और हम पर जेब कतरे कुत्ते छेड़ देती हैं, छोड़ देती हैं। यह सभ्य नागरिकों के खड़े रहने की जगह रह गई, यहाँ पे अच्छे लोग आके रह सकते हैं, ऐसा ही अड्डा इन्होंने इसको बना के रखा है। अब कब तक आप सो रहे थे, अब तक आप सो रहे थे क्या, करके गुस्से में पूछ ली। अचानक उसकी नजर सातवीं खिड़की से लगे खंभे पर टिक गई, वही भिकमंगी जो कुछ देर पहले उसकी पैंट को हाथ लगा लगा कर भीख के लिए गिड़गिड़ा रही थी, और उसके पूर्व अनुभव के मुताबिक उसकी जेब कटने में भी जिसका निश्चित हाथ था, लोगों की खींचने, चेतावनी देने और धमकाने के बावजूद अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। मतलब वो ऐसे ही खड़ी थी, जितना उसको खींचा जा रहा था वो एकदम खट्टे कट्टे, मतलब वहीं पे बिल्कुल हिले बगैर वो खड़ी थी। टस से मस नहीं होना मुहावरा है, ठीक है, मतलब अपनी जगह से नहीं हिलना। बच्चे को सीने से चांपे, उसके सीने से बच्चा भी लगा हुआ है, उसके हाथ में जो छोटा बच्चा था वो भी उसके सीने से लगा हुआ है। हरा वह दांत पीसता उसकी ओर लपका और उसकी बाह दबोच उसे बाहर की ओर घसीटने लगा। वह एक बाह से अपना बच्चा भींचे गंदी फूहड़ गालियां बरसाती उसे सरापे जा रही थी। एकाएक पता नहीं उसमें कहाँ की ताकत आ गई कि उसने उसकी पकड़ से अपने आप को ऐंठा और सर से मुक्त हो वापस दौड़कर उस खंभे से जाके चिपक गई। तो जब वो खींच के उसको खंभे से वो चिपक के खड़ी थी, जैसे उसने खींचा इसको भी गुस्सा आ गया, उसको गाली गलौज करते हुए ये भी क्या किया, उसको घसीटते हुए खींच के लेके जा रहा था। अचानक उसको इतनी शक्ति आ गई कि वो फिर से उसका हाथ छुड़ा के आके वापस इस खंभे पे सटक के वो खड़ी हुई, और उसे ही नहीं पूरी भीड़ को चुनौती देती हुई गर्जी, तेरी माँ दम है तो लगा हाथ, बुला बड़े बाबू को, बुला उखाड़ से उसकी, देखती हूँ कौन हिलाता है मेरे को, मैं हर रोज बैठूंगी, आउच इधर ही बैठूंगी, ठीक है, तो ये जगह मेरी है। पल भर को तो वह क्या, समूची भीड़ के कान लाल हो गए, औरत के मुंह में ऐसी फूरी फूरी गालियां, इतनी हिम्मत इस दो टके की औरत की, उसने तर्रा कर पुनः एक बांह धर ली, बैठूंगी कैसे, बैठेगी तो कैसे बैठेगी, मैं भी देखता हूँ तेरे, तो वह दांत पीसता हुआ उसे बाहर की ओर धकियाने लगा। तभी पीछे से चार सिपाहियों ने उसे लगभग घेरने की कोशिश की, साफ परछाई भी आसपास नहीं फटकेगी, अब छोड़ दीजिए, दिखाई देगी इधर ही बैठेगी, ये जगह मेरी है, और काय को नहीं बैठेगी, वो जो बड़े बाबू बैठते आत मधे, मधे मतलब भीतर, हफ्ता लेते मेरे से हफ्ता, समझते हैं, वो जो बड़े बाबू हैं, जो रेलवे वाले बड़े बाबू हैं, वो हर हफ्ता आके मुझसे क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो मैं यहाँ बैठती हूँ तो उसका मैं पैसा देती हूँ, ऐसे कैसे आप मुझे घर से बाहर कर सकते हैं। और ये भड़ुए, उसने सिपाहियों को दुत्कारा, जो रेलवे पुलिस थे उनको भी ये दुत्कारी, कैसा पकड़ेंगे मेरे को, रात यार्ड में ले जाके, तो सिपाही उसका दुरुपयोग करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, रात को उसके साथ वेश्यावृत्ति करते हैं, तो ऐसे सिपाही मुझे क्या पकड़ेंगे। जो ईमानदार है, जो नेक है, जो अच्छा है, वो आदमी किसी के सामने कुछ भी कर सकता है।
जब मैं जब तक मेरे ऊपर कोई गलती नहीं है मैं क्यों डरूंगी। और जितने लोग हैं वहां पे सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सब उसके शरीर को नोच रहे हैं, तो फिर वो डरेगी क्यों। तो ये वो वही बोलती है कि जितने लोग हैं यहाँ पे पुलिस लोग खड़े हैं वो सब मुझे रात को मेरा उपयोग करते हैं, तो फिर ये मेरा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही थी, इसीलिए सिपाहियों ने उसको एकदम शांत करने की कोशिश की। वह अपनी जगह पर भौंचक जड़ हो आया। क्रुद्ध भीड़ की उत्तेजना स्तब्ध हो उठी। सिपाही उसे डंडे से हनकते धकियाते कमीनी कुतिया गरियाते सड़क की ओर घसीट ले गए। उसने स्पष्ट देखा मूंछ वाले हड़ियल सिपाही ने भद्दी सी गाली के साथ डंडे की नोक उसकी अध उधड़ी छाती में चुभो दी। भीड़ के अवाक निष्क्रिय होते ही टिकट घर की खिड़कियां फटाफट खुल गईं। भीड़ जैसे एकाएक सम्मोहन मुक्त हुई और भस भसा कर टिकट घर पर टूट पड़ी। क्यू में अपना नंबर आगे से आगे रख पाने के प्रयास में धकियाती मुकियाती कितनी बेअसर, अपने में बंद, अपने तक, यही वह भीड़ है। मतलब पुलिस वाले क्या किए, अब उनकी पोल खुलने लगी थी तो वो उसको मार के ये करके जब कोई आवाज निकालता है, कोई सच बात बाहर लाने की कोशिश करता है तो लोग उसको दबाते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा था, उसके मुंह को एकदम बंद करने के लिए एक सिपाही तो उसकी छाती पर भी डंडा मार रहा था, मार के उसको एकदम घसीट के वहां से लोग लेके चले गए। अगले पल में क्या हुआ, एज यूजुअल अभी खिड़कियां सब खुल गई, ठीक है, खिड़कियां जैसे ही खुली फिर सबको अपने अपने टिकट की याद आ गई, फिर सब आके लाइन से क्यू में खड़े हो गए कि मैं पहले तू पहले। हम लोग ऐसे ही हैं, कोई खबर आज आज के लिए पॉपुलर होती है, कल का वो न्यूज़ एकदम सड़ियल पुराना हो जाता है, उसके बारे में लोग भी चिंता करना भूल जाते हैं, है कि नहीं। एक दो दिन में वो न्यूज़ इतना पुराना हो जाता है तो लोग उसको भूल ही जाते हैं, क्योंकि आए दिन नए नए खबरें आती रहती हैं, नया नया न्यूज़ आते रहता है, तो कल का न्यूज़ कौन याद रखेगा। फिर धीरे धीरे समय के साथ वो एकदम ख़त्म सा हो जाता है। तो यहाँ पे एक पल पहले जो हालात थी वो अभी वहाँ नहीं थी। फिर लोग अपने अपने में लग गए, क्योंकि सबको अपना अपना जाना है, कब तक वहाँ खड़े रहेंगे, क्या तमाशा, फिर क्या देखेंगे। फिर जैसे ही क्यू लगने लगा, खिड़कियाँ सारे खुलने लगे, तो लोग अपने अपने क्यू में फिर मैं पहले तू पहले करके आके खड़े होने के लिए आ गए। तो क्या ये वही भीड़ है जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उसका मन हुआ कि कहीं से उसके हाथों में ढेलों को ढेर पड़ जाए तो वह टिकट घर की खिड़कियां तोड़ दे, भीतर दुख के बैठे अधिकारियों को खोपड़े अधिकारियों के खोपड़े फोड़ दे। मगर सच्चाई अकेले उसी ने तो नहीं सुनी, फिर जागी हुई भीड़ का उबाल सच्चाई और नैतिकता के प्रति कैसे नपुंसक हो उठा। जो औरत कह रही थी कि इन लोगों ने मुझसे पैसा लिया है, वो अफसर और ये पुलिस वाले मुझसे ऐसा किए हैं, वो सिर्फ अकेला ये आदमी तो नहीं सुना था ना, वहाँ जितने लोग खड़े थे सभी ने सुना, सबका खोल उठना चाहिए खून, लेकिन सब लोग फिर अपने अपने लाइन में लग गए। फिर ये अकेला आदमी चिल्लाने से चीखने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। तो ये हमारी सोसाइटी है, इसी तरह चलता है। कितना भी हम भ्रष्टाचार को रोकने, उसको पूरी तरह से हटाने की कोशिश करें, उसका जड़ इतना फैला हुआ है कि कहाँ से कैसे किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है हम बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लेखिका ने एक समाज की जो अव्यवस्था है उसको दिखाया है, एक ऊपरी स्तर एक निचले स्तर, दो स्तर में दिखाया है। लेखिका ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम बाहरी रूप वेशभूषा को देखकर हम लोगों का अंदाजा लगा लेते हैं, भले वो औरत उस छोटे बच्चे के साथ वो उसका संबंध था नहीं था, या वो सिर्फ भीख मांगती है, वो सब नहीं पता, लेकिन छोटा बच्चा जो भागा उसके साथ अभी इसके इसको ऐसे ही है। तो ये हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की एक, इसको विद्रूपता विकारता भी हम लोग बोल सकते हैं, विकार रूप हम बोल सकते हैं, इस तरह होता भी है। तो उसी सच्चाई को लेखिका ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। जो सुबह भीख मंगी है, जो सुबह देखने में इतनी गंदी हरकत, गंदा कपड़ा वगैरह पहन के हमें उसको देखने से घिन आती है, उसी के साथ रात को हमारे सिपाही अय्याशी करते हैं। तो ये भी एक घिनौनी हरकत है हमारे देश की, ऐसे होता ही है। ये सारे सच्चाई को लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे चेहरे
जो लाइन से क्यू में खड़े हैं उन सबके अपने अपने चेहरे हैं, ठीक है, जो पुलिस वाले हैं उनके अपने चेहरे हैं, जो अधिकारी हैं उनके अपने चेहरे हैं, कुल मिलाकर भिखारियों का एक अलग चेहरा है। तो इन सब को सबके ऊपर उन्होंने पर्दाफाश करने की कोशिश की है, मगर वह नहीं छोड़ेगा, सुरक्षा की लड़ाई उनसे पहले इनसे लड़नी होगी। ये जो खिड़कियों के भीतर रुक के बैठे हैं, जो खिड़कियों के अंदर अधिकारियों के रूप में जो बैठे हैं, पहले सुरक्षा की लड़ाई किसको लड़नी है, उनको लड़नी है, शुरुआत उनसे होनी है। जब तक वहां से कुछ होता नहीं है, वो लोग मामूली लेकर अपना पैकेट भरते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वह तमतमाया सा उसी टिकट खिड़की के पास पहुंचा कि वह बड़े बाबू को चुनौती देगा कि वे बाहर निकलकर आए, पर यह क्या उसकी आंखों को दृष्टिभ्रम हो रहा है या उसने पलकें पटपटाई, आंखें मिचमिचाई और पुनः गहरी दृष्टि से भीतर झांका। उसी समूची भीड़ खिड़की के भीतर मेजों पर झुकी बैठी नजर आई। उसे समूची भीड़ खिड़की के भीतर मेजों पर झुकी हुई बैठी नजर आई। तो फिर से उसने सोचा कि जाके वो अधिकारी से फिर से बात करें, गुस्से में बात करें कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन उसने वहां पे क्या देखा, पूरी भीड़ पहले से ही जो लाइन से लग गई थी और जो पहले से ही ड्यूटी वहां पे शुरू हो गई थी। फिर इसने सोचा कि अब करना क्या है, कुछ नहीं कर सकते, यही हमारी नियति है, इसको इसी तरह चलाया जा सकता है। समझ गए?